नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान और आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बुंदेलखंड में सभी पार्टी अपनी अपनी रणनीति लगभग तैयार कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश के हिस्से वाले बुंदेलखंड में वैसे तो चार सीट आती हैं। इन चारों सीटों में से इस बार एक सीट ऐसी है जिस पर होने वाले मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ये सीट है दमोह लोकसभा। दमोह लोकसभा पर क्यों इस बार सभी की नजर है और आखिर इस सीट पर कौन मजबूत है, ये समझने के लिए जरा इस रिपोर्ट को देखिए। दमोह लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की बड़ी अहम लोकसभा सीट है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टी यहां से जीत हासिल करना चाहती हैं। दोनों ही पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जाति कार्ड खेलकर ये साबित भी कर दिया है कि कैसे भी हो दमोह लोकसभा सीट इस बार उन्हीं के पाले में आनी चाहिए। बात करें भाजपा की तो उन्होंने प्रहलाद पटेल लोधी पर दूसरी दफा भी भरोसा जताया है। वो वर्तमान में दमोह से सांसद हैं। वैसे तो प्रहलाद पटेल इसी नाम और सरनेम से जाने जाते हैं, लेकिन वो लोधी जाति से आते हैं। दमोह लोकसभा में लोधी वोटर की संख्या बहुत है, इसलिए पिछली बार साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से टिकट दिया था। उन्होंने कांग्रेस के चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से चुनाव हराया था। महेंद्र प्रताप सिंह कुर्मी जाति से थे। इस मुकाबले में प्रहलाद पटेल का लोधी होना और पटेल सरनेम दोनों ही भारी पड़ा था। साथ ही मोदी लहर फैक्टर सो अलग। यानी एक बात तो साफ है कि दमोह लोकसभा में पिछले लंबे समय से दोनों प्रमुख पार्टी भाजपा वर्सेस कांग्रेस के वजह लोधी वर्सेस लोधी या लोधी वर्सेस कुर्मी पटेल के मुकाबले में ज्यादा विश्वास रखती हैं। पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो दमोह लोकसभा पर बीजेपी का कब्जा है, जिसमें लोधी और कुर्मी दो जाति के प्रत्याशी चुनाव जीतते आ रहे हैं। साल 1991 से 1999 तक हुए 4 चुनाव में यहां से रामकृष्ण कुसमारिया चुनाव जीते जो कुर्मी थे, लेकिन इसके बाद से हुए सभी लोकसभा चुनाव में लोधी जाति से सांसद बनते आ रहे हैं। साल 2004, 2009 और 2014 के दमोह लोकसभा सीट से लगातार लोधी जाति के प्रत्याशी जीतते आए। जहां साल 2004 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चंद्रवान सिंह चुनाव जीते थे, वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट दिया शिवराज सिंह लोधी और इस चुनाव में चंद्रवान सिंह जो कि भाजपा के टिकट पर सांसद बने थे, उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत मिली भाजपा के लोधी उम्मीदवार शिवराज सिंह लोधी को। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने शिवराज सिंह लोधी का टिकट काटा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि इस चुनाव में भाजपा कुर्मी जाति के व्यक्ति को, जिसमें दमोह के पूर्व सांसद रामकृष्ण कुसमारिया प्रबल दावेदार थे, और उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा ने टिकट दिया भाजपा के कद्दावर नेता प्रहलाद पटेल को जो कि लोधी जाति से आते हैं। वहीं कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार कुर्मी जाति के महेंद्र प्रताप सिंह को बनाया। ये चुनाव लोधी वर्सेस कुर्मी के साथ स्थानीय वर्सेस बाहरी भी रहा, लेकिन साल 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी लहर में ज्यादा रंगा दिखाई दिया और जीत मिली भाजपा के प्रहलाद पटेल को। बार यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसा एक बार फिर हुआ। भाजपा ने जहां प्रहलाद पटेल लोधी पर एक बार फिर भरोसा जताया, वहीं कांग्रेस ने प्रताप सिंह लोधी को मैदान में उतारा है। प्रताप सिंह लोधी जो 2013 के विधानसभा चुनाव में जवेरा विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन 2018 में वो विधानसभा चुनाव हार गए। अब पार्टी ने उन्हें दमोह लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। देखा जाए तो दमोह लोकसभा लोधी बाहुल्य क्षेत्र है। इनका वोट बैंक निर्णायक माना जाता है, जो हम पिछले चुनावों में भी देख चुके हैं, लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर पर कुर्मी पटेल एक बड़ा वोट बैंक माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों कुर्मी पटेल और लोधी जिसके साथ होंगे जीत उसी की होती है, लेकिन इस बार दोनों जातियों का एक साथ आना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुर्मी पटेल दोनों ही पार्टी से उम्मीद कर रहे थे प्रतिनिधित्व मिलेगा और मुकाबला कुर्मी वर्सेस लोधी होगा, लेकिन किसी पार्टी ने कुर्मी पटेल को मौका नहीं दिया। जहां पूर्व सांसद और भाजपा का बड़ा चेहरा रहे बाबा जी भाजपा से नाराज हो गए। कांग्रेस में इस आशा में आए कि उन्हें कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस नेता में बड़ा नाम जीवन पटेल, युवा चेहरा ज्योति पटेल भी
कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, मगर मौका किसी को नहीं मिला। दमोह लोकसभा सीट में कुल 17,65,230 वोटर हैं, जो तय करेंगे कि आखिर कौन और किस दल का यहां से चुनाव जीतेगा और किसके सर पर जीत का सेहरा सजाएंगे। आइए एक नजर दमोह लोकसभा सीट पर चल रहे चुनावी गणित पर। इस चुनावी गणित में 7 किरदार हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। पहले पूर्व सांसद रामकृष्ण कुसमारिया, दूसरे नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, तीसरे पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, चौथी कांग्रेस नेत्री ज्योति पटेल, पांचवे भाजपा के पूर्व विधायक हरवंश सिंह राठौर, छठवे कांग्रेस सरकार में मंत्री हर्ष यादव, सातवीं बसपा विधायक रामबाई। दरअसल रामकृष्ण कुसमारिया यानी बाबा जी जिस उम्मीद से कांग्रेस में आए थे वैसा कुछ हुआ नहीं। बाबा जी को पूरा विश्वास था कि टिकट तो उनका ही होगा, क्योंकि एक तो वो लगातार 4 बार यहां से सांसद चुनकर आए, दूसरा इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जो किया उससे एक तरह से कांग्रेस को ही फायदा हुआ था। मतलब भाजपा से टिकट नहीं मिला तो दमोह और पथरिया सीट से निर्दलीय मैदान में उतर गए, खुद तो चुनाव हार गए जो तय ही था, लेकिन भाजपा की 2 सीटों का गणित उन्होंने बिगाड़ दिया। दमोह से कांग्रेस जीतने में कामयाब हुई तो पथरिया सीट बसपा के खाते में चली गई। लेकिन बाबा जी को भले ही टिकट नहीं मिला हो लेकिन खेल बिगाड़ने में अब वो माहिर हो गए हैं। अभी वो लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की जुगाड़ में लगे हैं, कंप्यूटर बाबा की चौखट पर भी माथा टेक आए हैं। बाबा जी को टिकट नहीं मिला है, ऐसे में वो कांग्रेस के प्रताप सिंह लोधी का साथ देंगे या नहीं, वो जो भी करेंगे उससे बहुत कुछ होने ना होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद नाम आता है भाजपा के 3 नेताओं का। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री जयंत मलैया और हरवंश सिंह राठौर का। इन तीनों का साथ क्या वाकई प्रहलाद पटेल को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। भाजपा से पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद प्रहलाद पटेल को लेकर इस बार ऐसी कहावत कही जा रही है कि जैसा बोया वैसा काटेंगे। मतलब इस बार उनके अपने शायद ही हैं, पिछली बार की तरह उनका साथ देंगे। दरअसल प्रहलाद पटेल जब पिछली बार दमोह लोकसभा लड़ने पहली बार आए थे तब भाजपा के इन 3 बड़े नाम गोपाल भार्गव, जयंत मलैया और हरवंश सिंह राठौर ने उनकी बहुत मदद की थी। ये चुनाव ऐसे लड़ा गया था कि मानो चुनाव में गोपाल भार्गव, जयंत मलैया और हरवंश सिंह राठौर खुद चुनाव लड़ रहे हों। लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है और इसके पीछे की वजह है प्रहलाद पटेल खुद। ऐसा बताया जाता है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने लोधी वोट बैंक को साधने के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए। नतीजा ये हुआ कि उनकी लोकसभा सीट से जितनी भी विधानसभा आती है उनमें अधिकतर भाजपा के नेताओं को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण खुद जयंत मलैया जो दमोह विधानसभा से राहुल सिंह लोधी के हाथों हारे, हरवंश सिंह राठौर को तरबर सिंह लोधी के सामने हार का सामना करना पड़ा। वहीं मंत्री रहते हुए ललिता यादव को बड़ा मलहरा से प्रद्युमन सिंह लोधी से हार का सामना करना पड़ा। और इन तीनों की हार की सबसे बड़ी वजहों में से एक रहे प्रहलाद पटेल, जिन पर आरोप लगा कि वो लोधी वोटर्स को साधने में नाकामयाब रहे क्योंकि यह सभी प्रत्याशी लोधी उम्मीदवार से चुनाव हारे। वहीं बात करें रेहली विधानसभा सीट की तो कांग्रेस के प्रत्याशी कमलेश साहू जो जब भाजपा में थे तो एंटी गोपाल भार्गव थे और राजनीति प्रहलाद पटेल के खेमे से करते थे, वहीं जब वो कांग्रेस में शामिल हुए तो ऐसी बात भी सामने आई कि कमलेश साहू भले ही कांग्रेस में आ गए हों लेकिन उन्हें प्रहलाद पटेल का आशीर्वाद प्राप्त है। इन सब में गोपाल भार्गव भी हो सकता है कि प्रहलाद पटेल से नाराज हों और उनकी वो मदद ना करें जो उन्हें करनी चाहिए। इनके अलावा कांग्रेस की युवा नेत्री ज्योति पटेल, पथरिया से बसपा विधायक रामबाई और मंत्री हर्ष यादव की भूमिका भी चुनाव में अहम होगी। ज्योति जहां पहले विधानसभा और अब लोकसभा सीट से टिकट ना मिलने को लेकर नाराज हैं, वहीं मंत्री हर्ष यादव के कंधे पर दमोह लोकसभा जीतने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस के नेता जीवन पटेल और ज्योति पटेल को भी मौका नहीं मिला है। दोनों ने विधानसभा चुनाव के समय भी रेहली विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की थी लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जीवन पटेल ने टिकट नहीं मिलने की बात कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी,
बल्कि उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप सिंह लोधी के समर्थन में सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट किए, लेकिन ज्योति के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके समर्थकों ने पटेल जाति को टिकट नहीं मिलने से नाराजगी व्यक्त करते हुए बसपा से चुनाव लड़ने की लॉबिंग शुरू कर दी। लोधी वर्सेस लोधी का फायदा उठाने के लिए पटेल जाति के उम्मीदवार के तौर पर ज्योति पटेल के नाम की हवा बनाई जा रही है। वहीं बात करें हर्ष यादव की, तो हर्ष यादव देवरी से विधायक और अब मंत्री हैं। उनकी विधानसभा दमोह लोकसभा का अहम हिस्सा है। दमोह लोकसभा में यादव जाति भी कम नहीं है, अच्छी खासी संख्या में है, इसलिए हर्ष यादव का दमोह लोकसभा में एक अहम रोल होगा। उधर यादव वोट की दम पर कांग्रेस से निष्कासित हुए शाहगढ़ के राजकुमार यादव भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो हर्ष यादव के ऊपर जवाबदारी और भी बढ़ जाएगी। वहीं आखिर में बसपा विधायक रामबाई भी चुनाव में अपनी एक अलग भूमिका में होंगी। कम समय में प्रदेश भर में चर्चित हुई बसपा नेत्री दमोह लोकसभा में दलित वोट बैंक को जरूर प्रभावित करेंगी, ये भी निर्णायक साबित हो सकता है। विधानसभा चुनाव और पूर्व में हुए चुनावों में बसपा का वोट प्रतिशत भी इस इलाके में बड़ा है। इन नामों के अलावा कांग्रेस के दमोह विधायक राहुल लोधी, बंडा से कांग्रेस विधायक तरबर लोधी, बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी, हटा से भाजपा विधायक पीएल तंतुवाय और जबेरा से भाजपा विधायक धर्मेंद्र लोधी की भूमिका दमोह लोकसभा में क्या होगी, देखना होगा। दमोह लोकसभा में 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें दमोह जिले की दमोह नगर, हटा, पथरिया, जबेरा, सागर जिले की रहली, देवरी और बंडा, इसके अलावा छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभाएं आती हैं। अगर इस पर नजर डालें तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 8 विधानसभा में से 4 कांग्रेस के खाते में है, 3 भाजपा के पास है और 1 बसपा के पास है। इस लिहाज से भाजपा का पाला कमजोर है, जिसका सीधा नुकसान प्रहलाद पटेल को होने की संभावनाएं हैं। खैर, ये था दमोह लोकसभा का चुनावी गणित। दोनों ही पार्टियों ने लोधी प्रत्याशी पर दाव खेला है। मुकाबला भाजपा के प्रहलाद पटेल और कांग्रेस के प्रताप सिंह लोधी के बीच में है। दोनों ही लोधी समाज से आते हैं, तो ऐसे में कौन बाजी मारेगा? क्या दमोह लोकसभा की जनता फिर प्रहलाद पटेल को मौका देगी, या इस बार ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।